नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। राष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर भारत के विकास और शांति के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदमों का किया जिक्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को बताया ऐतिहासिक कानून। ২০২০ का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश। अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर 6 से 6.5% रहने का अनुमान। सर्वेक्षण में कहा गया श्रम और निर्यात पर आधारित नीतियों के लिए है अपार संभावनाएं। चीन सहित दुनिया भर के अन्य 19 देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण। चीन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हुई। वुहान से भारतीयों को निकालने का काम शुरू। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। संसद के केंद्र कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर भारत में शांति और विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के साथ न सिर्फ दूरियां कम करने का काम किया है बल्कि दिलों को मिलाने का भी काम किया है। राष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर भारत में रेल नेटवर्क के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के दूर दराज के इलाके अगले कुछ वर्षों में रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में प्रस्तावित हवाई अड्डे का जिक्र करते हुए इसका निर्माण कार्य 2022 तक पूरा कर लिया जाने की बात कही। वहां के लोगों को दिलों की दूरियां खटकती थी। मेरी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अथक परिश्रम करके इस स्थिति को बदला है। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। वर्ष 2022 में ही अरुणाचल प्रदेश के हल्लोंगी में बन रहे नए एयरपोर्ट का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा गुवाहाटी में एम्स, नुमालीगढ़ में बायो रिफाइनरी, मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण तेज गति से हो रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए लगभग 9000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों में गैस बेस्ड इकोनॉमी का आधार बनेगा। 5 दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। समझौते से ऐसी जटिल समस्या जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई उसका समाधान निकला है। समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के। राष्ट्रपति ने कहा कि विभाजन के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि जो हिंदू और सिख पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते वे भारत आ सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे लोगों को सामान्य जीवन उपलब्ध कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर परस्पर बहस और चर्चा से ही लोकतंत्र मजबूत होता है जबकि विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा उसे कमजोर करती है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की जनता ने केंद्र की मौजूदा सरकार को नए भारत का निर्माण करने का जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास विश्वास के मंत्र का पालन कर रही है। राष्ट्रपति ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि वे सबसे पहले देश के नागरिक हैं, उसके बाद किसी विशेष विचारधारा के नेता या समर्थक। उन्होंने कहा कि देश की प्रतिष्ठा पार्टी की निष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री कोविंद ने प्रत्येक नागरिक से राष्ट्रीय हित में जागरूकता और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य निभाने की अपील की। उन्होंने कहा
कि सबको साथ मिलकर 2020 के दशक को कर्तव्य निभाने का दशक बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निष्प्रभावी करने का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों और लोगों के समान विकास का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को ऐतिहासिक कानून बताया। सर्वपंथ समभाव पर विश्वास किया है, लेकिन विभाजन के समय सबसे ज्यादा प्रहार भारत और भारतवासियों के इसी विश्वास पर किया गया। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख जो वहां नहीं रहना चाहते वे भारत आ सकते हैं, उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए समय समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना हमारा दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनकी इच्छा को पूरा किया गया। विशेषकर ऐसे समय में जब देश गांधी जी की 150वीं जयंती का पर्व मना रहा हो, तब आप सभी सांसदों ने उनकी भावना को सिरों पर रखा है। मैं संसद के दोनों सदनों का तथा सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का ये पुनः स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थी वे आज भी वैसी ही हैं। किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद के बजट सत्र में इस दशक की मजबूत नींव रखी जाए। संसद भवन परिसर में आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि संसद के दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों पर अच्छी बहस और विस्तृत चर्चा होगी। श्री मोदी ने कहा कि सत्र में आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर NDA सरकार का ध्यान रहा है और इस सत्र में भी सरकार प्राथमिकता इसी पर रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया जाएगा। नमस्कार सभी साथियों को। 2020 का ये प्रथम सत्र है। हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि इस सत्र में इस दशक के उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव डालने वाला ये सत्र बना रहे। ये सत्र अधिकतम आर्थिक विषयों पर चर्चा केंद्रित रहे। वैश्विक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में भारत किस प्रकार से इन परिस्थितियों का फायदा उठा सकता है, अपनी आर्थिक गतिविधि को और मजबूत बनाते हुए वैश्विक परिवेश का अधिकतम लाभ भारत को मिले, हमारी सरकार की पहचान दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, महिलाएं हो, इनको एम्पावर करने की रही है। इस दशक में भी हमारा उन्हीं दिशा में बल रहेगा। उधर संसद का बजट शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अनेक विपक्षी नेताओं ने संसद भवन परिसर में नागरिकता संशोधन कानून NRC और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना की है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री आजाद ने कहा कि अभिभाषण में मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आम आदमी की समस्याओं का जिक्र नहीं किया गया है। श्रिंक हो रहा है, घट रहा है। एक वक्त में 3 महीना होता था तो अभी इस दफा 2 अलग-अलग डेटों में सेशन चल रहा है और कुल मिलाकर 1 महीना, तो ये बढ़ाना चाहिए। और दूसरा चिंता हमने प्रकट की कि
कि सरकार का ध्यान जो है वो पूरा आकर्षित रहता है कि बिल पास हो। बिल पास करने में हमें कोई आपत्ति नहीं, विपक्ष पूरी तरह से जो भी देश हित में, जनता के हित में। संसद के दोनों सदनों में आज वर्ष 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इस सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर 6-6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर 5% रहने की बात कही गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने का भी जिक्र है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें देश में व्यापार के लिए वातावरण को सरल बनाने के लिए और अधिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने के लिए व्यापार के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और बाजार को मजबूत करने का भी उल्लेख है। रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश में चीन जैसे श्रम और निर्यात पर आधारित नीतियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में 1,24,000 नई कंपनियां स्थापित की गई, जबकि वर्ष 2014 में यह संख्या 70,000 थी। There are some early signs. What is also important is if you look at the business cycle phenomena in India, typically the, you know, if you look at the peaks and the troughs, and you correlate it with what, you know, what has happened, it seems like there is actually, we have sort of hit a trough, and therefore there should be an uptick in the, you know, in growth, and that is what we are actually budgeting. Now, notice here that we actually have been, you know, we haven't gone and said it's 7.5%. We've actually kept it to 6%. चीन में कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या बढ़कर 2,213 हो गई है। फिर से सुने, 213 हो गई है। चीन में करीब 9,700 व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित है, जबकि 19 अन्य देशों में 100 से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की है। ऐसा असाधारण स्थिति में किया जाता है ताकि इस बीमारी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तालमेल किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि विश्व समुदाय को इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। उधर भारत ने आज चीन के वुहान से भारतीयों को निकालना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया की पहली विशेष उड़ान जंबो 747, 15 केबिन और 5 कॉकपिट चालक दल के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज दोपहर 12:30 वुहान के लिए रवाना हुआ। डबल डेकर विमान में 430 सीटों की व्यवस्था है। एक और विशेष उड़ान कल दिल्ली हवाई अड्डे से रवाना हो सकती है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 5 डॉक्टरों का दल विशेष दवाइयाँ, मास्क, ओवरकोट, पैक किए गए खाने के साथ एयर इंडिया का पराचिकित्सकीय का मेडिकल स्टाफ भी रवाना हुआ है। विमान में इंजीनियर और सुरक्षा कर्मियों का भी एक दल है। पपूमपाई जिले के बंदरदेवा सर्कल में स्थानीय लोगों, गांव बुरा और छात्रों ने जिला प्रशासन द्वारा कारसिंगसा से होकर गुजरने वाली सड़क पर आवागमन बंद रखने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने इस सड़क पर निर्माण कार्य में लगी एजेंसी पर कामकाज में ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कारण सड़क का काम समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस सड़क पर छोटे वाहनों को आने जाने की अनुमति देने की भी मांग की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अपने चरम की ओर है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार प्रचार अभियान चला रहे हैं। वहीं विभिन्न दलों, विशेषकर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। उधर भाजपा ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि वे दिल्ली में विकास को नई दिशा देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक द्वारा ग्राहकों के संबंध में ली जाने वाली जानकारी की अपेक्षा करने पर बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि HDFC के कई खातों की जांच की और पाया कि बैंक ने उनसे नो योर कस्टमर जैसी जानकारी नहीं ली है।
महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई है। वर्ल्ड गेम्स ने जनवरी में 20 दिन तक चले मतदान के बाद कल रात विजेता की घोषणा की। विश्व भर के खेलकूद प्रशंसकों ने मतदान में भाग लिया। पिछले वर्ष भारत ने FIH सीरीज फाइनल्स जीता था और रानी रामपाल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित की गई थी। रानी के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने अपने इतिहास में तीसरे ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। गुजरात में राजकोट राजघराने के राजकुमार मानदाता सिंह के नेतृत्व में गुजरात में राजपूत परंपरा के अनुसार 2000 से ज़्यादा लोगों ने तलवार नृत्य किया। इस नृत्य में भाग लेने वालों ने बताया कि राजपूत राजा युद्ध जीतने के बाद जब अपने घर लौटते थे तो उनका इसी तरह परंपरागत स्वागत किया जाता था। इस नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।